2018 की लैला इज अ फ्लर्ट, उसे मजा आता है अपने पीछे लड़के घुमाने में। काश कोई एक बॉयफ्रेंड हो, काश। कैसा लगता होगा जब किसी के साथ कोई लवर होता होगा, कैसा लगता होगा जब, क्या? तो लैला की एक अलग इमेज आती है आपके दिमाग में। एटलीस्ट जब मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था तो मेरे दिमाग में लैला की कुछ और छवि थी। मुझे लगा था कि लैला बहुत ही शर्मीली किस्म की, बहुत ही सुलझी हुई लड़की होगी, बट ऐसा नहीं है। 2018 की लैला इज़ अ फ्लर्ट, उसे मज़ा आता है अपने पीछे लड़के घुमाने में, उसकी झलक आप लोगों ने देखी होगी। और उसे, वो एक अपनी दुनिया में जी रही है, उसके दिमाग में एक अलग फिल्म चल रही है जिसकी वो हीरोइन है। उसको बस ज़िंदगी का मज़ा लेना है, कभी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती, शायद प्यार को भी उसने कभी सीरियसली नहीं लिया। और उनमें से है जिन्हें शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता, और हाँ, चीज़ी फिल्मों का शौक है उसे, प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है उसे, बस ये चाहिए कि काश कोई एक बॉयफ्रेंड हो। काश, कैसा लगता होगा जब किसी के साथ कोई लवर होता होगा, कैसा लगता होगा जब, क्या बातें करते होंगे, ये सब चीज़ें उसको ज़्यादा एक्साइट करती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी ये बहुत हटके है बाकी जो रियल लैला हमें लगता है उससे।